तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की एडिटिंग। अगर आपको भी अपनी फोटो कुछ इस टॉपिक में एडिट करना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को समझाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो प्लीज़ कर दीजिए, साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग लाइक करते हो बहुत बढ़िया लगता है। तो चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो एडिट करने के लिए आप लोग को जो भी पोज अच्छा लगता है वैसे आप लोग एक बैठ के फोटो क्लिक करवा लीजिएगा, जैसा आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे आप लोग एक मस्त पोज में फोटो क्लिक करवाइएगा और उसके बाद में आप लोग को इस बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को उसको डाउनलोड कर लेना है और इसे शेयर कर लेना है यहाँ से अपने पिक्सआर्ट ऐप में। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा पिक्सआर्ट में ओपन हो रही है हमारी फ़ोटो यहाँ पर, तो उसके बाद आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो ये हो चुकी है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाना है अपने ऐड फ़ोटो में और अपनी जो भी फ़ोटो होगी उसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसका मतलब बैकग्राउंड मतलब आप लोग इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेजर में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर हार्डनेस इसकी बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर साइज भी बढ़ा के, और यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं इरेज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर वीडियो को मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आपका समय मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को कर लिया इरेज, उसके बाद में यहाँ पे कर लेता हूँ डन, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड इरेज होने के बाद में आप लोगों को अपनी जो ही मॉडल है उसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप लोग नीचे के साइड में यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लगा लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे मोबाइल में मतलब आप लोग अंदर में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख लिए हैं ऐसा, आप लोग मतलब आराम से रख लीजिएगा। और ऐसा एडजस्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आप लोग डन कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को, ठीक है। यहाँ पे तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ड्रॉ में, ठीक है। ड्रॉ में जाने के बाद में आप लोग को नीचे के साइड में थोड़ा सा शैडो क्रिएट करना है क्योंकि शैडो क्रिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि वन फ़ोटो अच्छी नहीं लगेगी आप लोगों की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एम्प्टी लेयर और बनी रहेगी आपकी। फिर यहाँ पर आप लोग क्या करना है, ये ब्रश में क्लिक करना है और इसका आप लोग को यहाँ पर हार्डनेस कम कर लेना है और यहाँ साइज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर करके और यहाँ पर आप लोग को क्रिएट कर लेना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बैक कर लेता हूँ, साइज़ बढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है यहाँ पे, और थोड़ी सी ऑपेसिटी भी कम कर लेता हूँ तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे शैडो क्रिएट कर ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइड में भी आ गया था। तो उसके बाद आप लोग को इसकी ऑपेसिटी यहाँ पर कम कर लेना है कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा मतलब करके देखिएगा, वो अच्छी लगेगी। अगर आप लोग शैडो नहीं क्रिएट करोगे ना तो वो थोड़ा सा रियल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं डन, ठीक है। ऐसा आप लोगों को कर लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद में आप लोगों को एक पीएनजी की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को उसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपने ऐड फोटो में और ये जो पीएनजी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है इसको आप लोग लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद में आप लोग क्या करना है, इसको यहाँ पर आराम से ऐसे बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अपने फ़ोटो में पूरा आना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप लोग, मैंने पहले से बना के दे दिया हूँ ऐसा, तो ऐसा आप लोग को इसे ऐड कर लेना है और इसे यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाके इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मतलब ये लाइन आ रही है तो वो बढ़िया लगेगी और यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को ऐड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे कर लेना है डन। तो ये हो चुका है काम, यहाँ पे पिक्सआर्ट का पूरा काम हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर अपनी फ़ोटो को सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ड्रॉ में जाते हैं और यहाँ पे अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा क्या करना है। तो आप लोग क्या है, छोटा सा कट लगा लीजिएगा क्योंकि क्वालिटी में सेव होती है फ़ोटो। और इससे मुझे एक बात याद आई कि अभी मुझे कोई भाई लोग कह रहे थे कि भाई मतलब हमारी जो फ़ोटो है हम बनाते हैं पिक्सआर्ट में तो वो धीरे धीरे क्या है कम होती जाती है और पिक्सआर्ट में मतलब क्वालिटी कम हो रही है। तो अगर आप लोग को उसको उसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए ना तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग के लिए उस पर वीडियो बना दूंगा कि अपनी जो भी फ़ोटो होती है पिक्सआर्ट में एडिट करते हैं तो वो HD में कैसे सेव करें, कैसे बनाएं, सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर लिए हैं 3 डॉट में क्लिक करके। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने लाइटरूम ऐप में चले जाते हैं, थोड़ा सा रिटच करना है तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आ चुके हैं अपने लाइटरूम ऐप में और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड होने में टाइम लगाता है यहाँ पर लाइटरूम। तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो ऐड होने हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे साइकॉन में और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फ़ोटो का और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट्स को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे शेडोज को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ फ्रेंड्स में, और उसके बाद यहाँ वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और ये हो चुका है यहाँ पे हमारा काम। उसके बाद हम लोग इस आइकॉन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिक्स में क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम लोग, अगर आप लोग का फेस ज़रा वाइट नहीं है तो आप लोग ऑरेंज में जाइएगा और यहाँ पे सैचुरेशन कम करके ल्यूमिनस बढ़ा लीजिएगा, पर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि पहले से वाइट है यहाँ पे हमारे मॉडल का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेड में जाता हूँ मैं और फ्रेंड्स इसको ऑरेंज करना चाहता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है ऐसा, यहाँ पे ह्यू को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं, ठीक है, तो ऐसा मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जैसा मैंने थंबनेल में लगाया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लुमिनस भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं, और उसके बाद मैं आप लोग अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आप लोग के कपड़े होंगे उसका सैचुरेशन कम करके जब बढ़ा के, ठीक है, जैसा आप लोग अच्छा लगेगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करता हूँ, डन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ इस आइकॉन में और यहाँ पे फोटो का थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्लियरिटी उससे कम रखेंगे हम लोग, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ऐसा बढ़ा लेता हूँ मैं, और मतलब अच्छी लगने लगी लगती है अपनी फ़ोटो थोड़ा सा बढ़ाने में, और ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा, ज़्यादा बढ़ाने में मतलब फ़ोटो ना अच्छी नहीं लगती, जो ब्लर हमने हमारा जो पीछे में बैकग्राउंड है वो ब्लर है थोड़ा सा, तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता है अगर ऐसा आप लोग टेक्सचर ज़्यादा बढ़ा लेते हो क्लियरिटी भी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विग्नेट इफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे डिहेंस को कुछ भी नहीं करना है, और ये हो चुका है हमारा काम, ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ा लेता हूँ फ़ोटो का, ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा कुछ मतलब रिटच करता भी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप से थी यहाँ पे पिक्सआर्ट में, और थोड़ा सा हम लोगों ने रिटच कर लिया अपनी लाइटरूम में, तो और बढ़िया लगने लगी हमारी फ़ोटो। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद ना साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपनी फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेव टू डिवाइस, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।